जय जीवदानी। सुबह उठते से ही मन में एक उत्साह होता है कि आज अभी हम उठ गए हैं, अभी ये काम करेंगे, अभी वो काम करेंगे, ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, आज इसको निपटाना है, इसको निपटाना है। और एक प्रकार का एक अंदर काम करने का जो जोश होता है वो जागता है। अब ये जो जोश है, अंदर की खूबसूरती है, अंदर की खुशी है, और अंदर का जो जज्बा है वो जज्बा शुक्र से है। शुक्र जो है आपके अंदर की खूबसूरती, आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर का जज्बा, आपके अंदर की हर प्रकार की जो कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की जो एक हिम्मत होती है वो शुक्र से होती है। शुक्र जो है आपके दिमाग के एक कामुक अवस्था भी होती है। आपको हर हाल में आप अच्छे दिख रहे हो, दुनिया अच्छी दिख रही है, घर अच्छा दिख रहा है, प्रेमी अच्छा है, या किसी के प्रति आकर्षण है, या इससे शादी करनी है, या विवाहित जीवन में आपको आनंद है, या किसी प्रकार से किसी से घर में बच्चों से बड़ों से माता से पिता से प्रेम है, और घर को अच्छा बनाना है, और पैसा कमाना है, सुखों की वृद्धि करनी है, कार लेनी है, बंगला लेना है, जितनी सारी फीलिंग्स हैं ये ऐशो आराम ऐश्वर्य लाभ सुख की इच्छा खुशियों वाली बात, ये सब शुक्र के कारण होती है। और जब ये शुक्र अस्त हो जाता है तो होता क्या है, फिर हमको कृत्रिम तरीके से इस खुशियों को जगाना चाहिए। मैं कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करती, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से करती हूँ आपका स्वागत मेरे इस नए वीडियो में, जिसका नाम है कि शुक्र अस्त हो रहे हैं अब उसे जगाइए। ये ज़रूरी नहीं कि हर ग्रह अस्त होने पर आपको बुरा असर ही दे। ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कुछ लोगों को जो वो ग्रह कारक नहीं होता, जिन लोगों के लिए उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं तो उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो शुक्र है वो आपके जीवन में जो है हर प्रकार की लालसा और इच्छाओं का कारण होता है। इसलिए शुक्र जो है वो अस्त होने पर आप उदास हो सकते हैं। तो ऐसी उदासी आप पर ना छाए, ऐसी किसी भी प्रकार की मानसिक अवस्था आपकी ना बने जिसमें आपकी बत्ती बुझ जाए, तो ये बत्ती को जला दीजिए। एक प्रकार का आनंद है, एक प्रकार के उपाय जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि शुक्र अस्त हो रहे हैं, शुक्र वक्री हैं, शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और साथ में अस्त भी हो जाएंगे, तो उस समय आपको क्या करना है वो उपाय मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। आपको अगर मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। देखिए मैं वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा स्टडी करके और बहुत ज़्यादा अध्ययन करके और फिर बनाती हूँ और आपको समझाती भी हूँ कि क्या चीज़ है, क्या डीप थिंकिंग है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। क्योंकि खाली एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट हम जब डिस्कस करते हैं तो हम पूजा पाठ उपाय इसमें पड़ जाते हैं, लेकिन ये सब करने के साथ साथ हमको प्रैक्टिकल रेमेडीज़ भी करनी चाहिए जो कि हमको समझ में भी आए कि अच्छा हमने ये किया तो हम प्रैक्टिकली उस बात से उबर गए, तकलीफ से बाहर आ गए। तो चलिए उपाय तो बताऊंगी, प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों। फिलहाल मैं कामिनी खन्ना आप सबको बता दूं कि मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कामिनी खन्ना म्यूज़िक के शुक्र के उपाय के तौर पर कई सारे माता रानी के मंत्र, महालक्ष्मी के, दुर्गा के, चंडी के मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। जब शुक्र वक्री और अस्त होंगे आप अपने घर में वो मंत्र लगा सकते हैं, जप सकते हैं, या उसको साथ साथ में कंठस्थ कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में शुक्र की कमी आपको महसूस ना हो। शुक्र अस्त के पहले भी 2 बार मैं उपाय दे चुकी हूँ, तो शुक्र अस्त के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो देखिएगा। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ शुक्र के उपाय बताऊंगी जो आपको प्रैक्टिकली उसको डील करना है। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है शुक्र के अस्त होने का। ये वीडियो जब मैंने पहले चर्चा की थी ना कि शुक्र वक्री होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में फिर से लिंक डालती हूँ, उसमें भी चर्चा की है मैंने कि शुक्र अस्त होने पर क्या करेंगे, लेकिन दोबारा से आपके लिए मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में।
और मैं आपको बता रही हूँ कि शुक्र अस्त हो रहे हैं, क्या असर होगा। अब शुक्र जो है 6 अगस्त को, बस मतलब कई लोग 7 तारीख को बोल रहे हैं, कई 6 अगस्त बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में 6 अगस्त है तो अस्त हो रहे हैं। और कर्क राशि में वक्री अवस्था में अस्त होंगे, ये 20 दिन के लिए अस्त रहेंगे और 26 तारीख को ये उदित होने वाले हैं महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार। अब तारा डूब गया बोलते हैं, शुक्र तारा डूब जाता है तो कई शादियां, ब्याह, मुंडन संस्कार, घर में प्रवेश या किसी भी तरह के शुभ कार्य किए नहीं जाते। तो शुक्र अस्त होने पर आपको खबरदारी ये बरतनी है कि आपका मन जगा रहे। भले ही शुक्र अस्त हो, हमको शुक्र को अपने जीवन में इतना बड़ा स्थान दे देना है कि हम किसी भी तरीके से उदास ना हों। भले ही शुक्र अस्त और वक्री कर्क अवस्था में रहेंगे, लेकिन उनकी सप्तम दृष्टि बहुत कारगर होती है और सप्तम दृष्टि के कारण सभी राशि वालों को उनके फायदा होगा। मकर राशि पे उनकी सप्तम दृष्टि पड़ रही है और जिन लोगों के जिन जिन भावों में मकर राशि आएगी, उन मकर राशि शनि के घर पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो वहाँ पर ये शुक्र अस्त अवस्था में भी फायदा देने वाले हैं। इसलिए ना उम्मीद तो बिल्कुल मत होइए और मैं जो अंत में उपाय बताऊंगी वो ज़रूर सुनिए और कीजिए। मेष राशि, शुक्र आपके चतुर्थ भाव में अस्त हो रहे हैं, आपके द्वितीय भाव और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब द्वितीय से वो तृतीय चले गए, मतलब अपने से तीसरे घर में गए, तो पैसों की कमी नहीं महसूस होगी। माता पक्ष से सहयोग, अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग प्राप्त रहेगा और आपको इन किन प्रकार सुखों में भी कमी महसूस नहीं होगी और पैसा आता रहेगा। भले आप शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, जपते रहो ओम महालक्ष्मी नमः दुन दुर्गाय नमः। अब अपने सप्तम भाव से शुक्र जो हैं वो आप समझ लीजिए दशम भाव में चले गए। विवाहित जीवन के जोड़े के साथ कई सारे काम करेंगे, व्यवसाय बढ़ाएंगे और अस्त होने के बावजूद आपके काम धीरे धीरे चल सकते हैं। शुक्र के उपाय करेंगे तो तेज़ी से चलेंगे। वृषभ राशि, आपसे तृतीय भाव में जाने वाले शुक्र आपके लग्नेश हैं और जब वो अस्त होंगे तो अपनी तबीयत को मानसिक शारीरिक रूप से जननेन्द्रिय पुरुषों में और स्त्रियों में दोनों ही संभालना ज़रूरी रहेगा। अगर आपका मन उदास होता है या डिप्रेशन होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हैं माता के मंत्रों के, वो कीजिए और शुक्र के उपाय कीजिए। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कुछ होने वाले कार्यों में कुछ कमी लगती है आपको, यात्राओं में भी कमी लगती है तो भी आपके शुक्र के उपाय करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं। वैसे कार्यों के लिए आपका बाहर जाना लग सकता है इन दिनों, यात्रा का योग भी। मिथुन राशि, आपके लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह होता है शुक्र, क्योंकि आपके द्वादश भाव प्रेम संबंधों विदेश रिलेटेड काम खर्चों का स्वामी, खर्चों में आपको यात्राओं पर खर्चे होंगे, आपको काउंसलिंग कंसल्टेशन बोलने चलने के कामों पर खर्चे हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक खर्चा और आय कम इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपना हिसाब किताब बराबर जोड़े रखिए और अपने याद रखिए बच्चों से अनबन ना हो, उनकी तबीयत ठीक रहे। उनके मंगल के लिए आप जो चाहे माता के मंत्र कर सकते हैं और उनके कामकाज आगे बढ़ने वाले हैं तो उनका मन ना बूझे इसलिए उनको निरंतर पैपअप करते रहें। आपको अगर किसी भी प्रकार की मानसिक तकलीफ होती है, याद रखिए डिप्रेशन वगैरह, तो आपको योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और ओम एंग्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्चे के जाप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है वो करें। कर्क राशि, आपके लिए शुक्र जो हैं आपके लाभ भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अपने से तृतीय लग्न में जब अस्त होते हैं तो माता पक्ष से बेचैनी या उनकी तबीयत खराब आपको लगती है। आप वैसे भी उनसे उलझना, आपके माता आपके लिए महालक्ष्मी है, आपकी मम्मी आपके लिए महालक्ष्मी है और आपका सदैव ध्यान रखेंगी, आपको पैसों की कमी नहीं होगी, तो विशेष रूप से आप उनके साथ मिलकर काम किया कीजिए। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि आपके घर के सुखों की बागडोर भी उन्हीं के हाथ है, तो मन आपका उनसे उचाट नहीं होना चाहिए, आपको करने चाहिए ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप शुक्र के उपाय न कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए अब आपको भी शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, लेकिन दशम भाव के स्वामी शुक्र और तृतीय भाव के स्वामी शुक्र अपने से तृतीय और दशम गए तो समझ लीजिए दशम भाव का स्वामी जब अपने से तृतीय जाता है तो द्वादश भाव में चला गया, वहाँ भी स्थान बली हो गया। आपके कार्यस्थल पर आपके खर्चे हो सकते हैं लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो आपके काम बढ़ाने में ही हो रहा है फ़ायदा। प्रेम संबंधों में बेचैनी ना करिएगा, स्पेस बना के चलिएगा और आपके जो भी काम है वो बहुत सजगता से कीजिएगा।
क्योंकि आपके पराक्रम का स्वामी अपने से दशम गया तो आपका उत्साह खूब बड़ा रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा रिजल्ट आ नहीं रहा, इसलिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें। कन्या राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी, आपके द्वितीय भाव के स्वामी, काम करो तो पैसा आएगा, है ना, ये दोनों जो हैं वो अब लाभाओं में अस्त हो रहे हैं, तो आते आते पैसों में कुछ अड़चने आ जाना, कुछ काम होते होते आपके कामों की गति कम हो जाना, या आपको ऐसा लगे कि काम बन नहीं रहा, बेचैनी मत कीजिए कामों के लिए, परिवार की सहायता कीजिए, परिवार के लोग भी आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं शुक्र के सारे उपाय और शुक्र के जाप भी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो कीजिए। बोलने चालने के कामों से अगर पैसा कम आता है तो बेचैन मत होइए, 20 दिन का कार्यकाल है, 20 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तुला राशि, आपके तो लग्नेश हैं और अपने से दशम जाकर अगर अस्त होते हैं तो कार्यों के लिए बेचैनी, या अपने पिता के साथ अनबन या कुछ काम ऐसे जिसमें मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम है तो उन पर आपका प्रभाव हट जाना या आपको बेचैनी होना, ये स्वाभाविक है। तबीयत विशेष रूप से संभालें, और जननेन्द्रियों से रिलेटेड महावारी स्त्रियों में, और अगर यूट्रस ओवरी से रिलेटेड समस्याएं या व्यावसायिक पार्टनर विवाहित जीवन के पार्टनर से समस्याओं को एकदम ज़्यादा बल ना दें, उनको बढ़ने ना दें, और किसी प्रकार से कर्म करके रखें। ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ, माता के सभी मंत्र जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए आप सुन सकते हैं, और साथ साथ शुक्र के सभी उपाय आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी तो या तो विवाहित हैं, और विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंध, इनसे बेचैनी मत लीजिए, साथी से बेचैनी नहीं, उनको साथ में मिलकर काम करने दीजिए, यही सिखाएगा आपको ये कर्क में शुक्र का जाना, और आप अपने काम बढ़ाइए उनके साथ मिलकर। थोड़ी बेचैनी भी होती है, उनको काम नहीं आता तो सीख लेंगे, उसमें बेचैनी करने की ज़रूरत नहीं, धीमे धीमे आपका काम बढ़ जाएगा। और आप ये याद रखिए कि आपको किसी प्रकार से अपना काम बनाने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें तो आपके सभी काम निर्विघ्न होते नज़र आते हैं मुझे। धनुराशि, आपके षष्ठ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, अपने से तृतीय दशम गए हैं तो तबीयत को संभालना, या षष्ठ भाव का स्वामी जब अष्टम में जाएगा, रोग ऋण शत्रु, ना लोन लेना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, अपने दुश्मनों से बचना है, और जो आपके लाभ भाव से दशम भाव में गए तो इसका मतलब है पैसा जो आ रहा है वो खड्डे में नहीं डालना है, जो आ रहा है उसको बचा लीजिए, सेव कर लीजिए, और केसेस विवाद से बचिए, होने वाले कार्यों में बाधा आ रही है, पैसे नहीं आ रहे तो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, शुक्र के उपाय आपको नहीं करने हैं। मकर राशि, आपके पंचम भाव और आपके दशम भाव के स्वामी अपने से मतलब तृतीय और दशम गए तो सप्तम भाव में आए, तो सप्तम भाव में शुक्र बलि हो जाते हैं, आपको शुक्र का अस्त होना विशेष प्रॉब्लम नहीं देगा, फिर भी मन का बुझ जाना, मानसिक बेचैनी होना, कार्यों में कमी होना, ये सब आप फेस कर सकते हैं, और इससे बचने के लिए आपके लिए धुन दुर्गा नमः और ओम ऐंग्रीक्लिंग चामुंडा विच्छे के जाप अति उत्तम है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है। याद रखें शुक्र के सभी उपाय आपको करने चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है। कुंभ राशि, चतुर्थ भाव और भाग्य भाव के स्वामी जाकर बैठे आपके षष्ठ भाव में, तो षष्ठ में शुक्र नीच का हो जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो आपको थोड़ी सी बेचैनी माता पक्ष की तबीयत से या लोन से या कर्जों से या दुश्मनों से या तबीयत से हो सकती है। एट द सेम टाइम आप काम करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव मूव है जो करना चाहिए आपको, और उससे आपका मन लगा रहेगा। साथ साथ में आप याद रखें आपको किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट वगैरह भी लोन्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं, कार्य के लिए टेक्निकली जो काम मिलता है ऊपर ऊपर करके उसको आगे बढ़िए, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको कोई भी नया बिजनेस शुरू नहीं करना है। आप कर सकते हैं धुन दुर्गाय नमः ओम ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे नमः के जाप, महाकाली की पूजा और शुक्र के सभी उपाय, जिससे आपको सुख सुविधा में वृद्धि होगी, कामकाज भी बनेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके पंचम भाव में आकर बैठेंगे शुक्र, विपरीत स्वभाव के स्वामी चंद्रमा के घर में, लस्ट तो है लेकिन बेचैनी है बहुत ज़्यादा, चंद्र से शुक्र की दुश्मनी है, और आप क्या करें, आप ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ तो करें लेकिन साथ साथ ना प्रैक्टिकल हो जाएं, बच्चों के साथ अनबन ना करें, स्पेसिफिकली स्पेस बनाएं, जानबूझ के स्पेस बनाएं और उनका ध्यान भी रखें तबीयत का,
आपकी यात्राओं में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं और तबीयत का विशेष ध्यान रखें। कोई व्यावसायिक डील या व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनुबंध फिलहाल ना करें। आपके लिए बेस्ट यही होगा कि कामों में मन लगाएं और तबीयत का विशेष ध्यान रखें। आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, लेकिन ओम महालक्ष्मी नमः के जाप आपको खूब फल सकते हैं। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर शुक्र के अस्त होने का, वक्री होने का क्या फल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बताया है। शुक्र के 2 से 3 उपाय बहुत ही कॉमन से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो ये हैं कि अपने अंदर के मन को जगाने के लिए हर प्रकार से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सज संवर के बैठना, सेंट लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, सारे घर में सुख सुविधा की उपलब्धियाँ अपनी ठीक से रखना, साफ सफाई करना, कोने कोने में महालक्ष्मी के जाप लगा देना या घर में जाप लगा देना, महालक्ष्मी के जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, दिए जला देना, लक्ष्मी की घर में पूजा करना और साथ साथ अपने घर की स्त्रियों की सेवा करना या उनके मन मुताबिक उनको जो गिफ्ट्स वगैरह देने हैं वो दे सकते हैं, बाहर भी गरीब स्त्रियों को दे सकते हैं, महालक्ष्मी के मंदिर विजिट कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े, पिंक कपड़े पहन सकते हैं। ये सब उपाय उन्हीं को करने हैं जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है। और शुक्र कारक किसको किसको है, तो वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, तुला राशि के लिए और मकर और कुंभ राशि के लिए शुक्र कारक है। और आपको जिन लोगों को शुक्र कारक है वो ये उपाय सब कर सकते हैं। अदरवाइज़ भी इनमें से कुछ उपाय जो हैं वो सभी राशि वाले कर सकते हैं, दिए जलाना, महालक्ष्मी की पूजा या अन्य उपाय भी मैंने जो बताए हैं, जिससे आपके जीवन में शुक्र का वास रहेगा। अलमारियाँ ठीक से लगाओ, किचन ठीक से रखो, गंदगी मत करो, तो ये सब महालक्ष्मी को जैसे अच्छा लगता है, तो महालक्ष्मी का ही द्योतक है शुक्र। तो आप अपने घर में जो है शुक्र का वास कैसे बढ़ा सकते हैं, खुद को फिट रख के और घर को हिट रख के। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के अस्त और वक्री होने का। फिर मिलूंगी कोई ऐसी ही अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मैया, दिल का हाल सुनो मैया, शक्ति आए ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।